प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारे गए, हमारे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारी गलतियों को वो अपने ऊपर लेकर के प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जब मारे गए तो बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और पाप की जो क्वालिटी है, पाप का जो एक प्रकार का फीचर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में फीचर हम बोलते हैं, कि वो परमेश्वर की पवित्रता से मैच नहीं करता। जहाँ पर पाप है वहाँ पे परमेश्वर पे दूर परमेश्वर की दूरी वहाँ पर रहती है। तो जब बदन की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनसे दूरी बना ली, परमेश्वर ने उन्हें वाटिका में से निकाला और परमेश्वर ने वहाँ पर बाड़ा बांधा, करूबों को लगाया, ज्वालामय तलवारों को लगाया कि वो उसमें वापस ना आने पाए। परमेश्वर ने दूरी बना ली क्योंकि वहाँ पर पाप था। लेकिन परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपका कोई करीबी मित्र या आपका कोई करीबी रिश्तेदार जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसे कैंसर की बीमारी है। आप अपने उस प्रिय से प्रेम करेंगे पर आप कैंसर से नफरत करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कैंसर आपके उस प्रिय के जीवन के लिए हानिकारक है। और आपको मालूम होगा, आपको पता होगा कि वो कैंसर अंदर ही अंदर आपकी उस प्रिय के जीवन को खा रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आप कैंसर से तो नफरत करेंगे पर अपने उस प्रिय से आप प्रेम करेंगे, और आप कैंसर से उतना ही नफरत करोगे जितना आप अपने प्रिय से प्रेम करते हो। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमको बनाए अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो जो हमारे अंदर में, जो अदन की वाटिका में एक गलती के कारण जो पाप था वो हमारे अंदर में था, और परमेश्वर पिता को पता है कि पाप हमें अंदर ही अंदर खा रहा है, हमारे जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमको नाश कर रहा है। तो परमेश्वर पाप से इसीलिए उतना ही ज़्यादा नफरत करते हैं जितना ज़्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजे कि यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूस में बलिदान हुए, हमारे सारे अधर्मों को, पापों को परमेश्वर पिता ने यीशु के ऊपर डाल दिया। तो जब पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है, तो जब हमारे पाप यीशु की बॉडी में थे, यीशु की देह के ऊपर, उस कलवरी में जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे जब पाप थे, तो वो पाप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर से अलग कर दिया, परमेश्वर से दूर कर दिया। इसीलिए पहली बार यीशु ने, जो चौथी वाणी यीशु ने बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एज अ गॉड, एक परमेश्वर के रूप में परमेश्वर पिता वहाँ पे दूरी बना लिए, बट एज अ फादर, एक पिता के रूप में परमेश्वर पिता, आई बिलीव कि परमेश्वर पिता का मन वहाँ पर टूट गया था। एक तरफ परमेश्वर पिता यीशु को एज अ गॉड, एक परमेश्वर, एक न्यायाधीश के रूप में वो परमेश्वर पिता यीशु से दूरी बना लिए, पर एक पिता के रूप में वो टूटे हुए मन से परमेश्वर पिता विलाप किए होंगे। एंड आई बिलीव कि जहाँ पर विलाप है वहाँ पर अत्यधिक खुशी भी है, क्योंकि सिर्फ यीशु का ही वो क्रूस है, एकमात्र माध्यम यीशु के क्रूस पर के पूरे कार्य, जिसके द्वारा मैं और आप, हम पिता के पास आ सकते हैं। तो एक भले ही परमेश्वर का मन टूटा होगा, परमेश्वर पिता विलाप किए होंगे उस मर्म को देख करके, प्रभु यीशु मसीह के सेक्रीफाइस को देख करके, पर उतना ही ज़्यादा परमेश्वर यीशु मसीह के उस क्रूस पर के कार्यों पर गर्वान्वित हुए होंगे, प्राउड महसूस किए होंगे कि यीशु ने वो कर दिखाया जो कोई इमेजिन नहीं किया था, जो कोई कभी सोचा नहीं था, जिसके कारण मैं और आप आज हम पिता के पास आ गए हैं। हम यीशु मसीह की प्रेजेंस में हम हैं, परमेश्वर की गोद में मैं और आप हम प्रवेश हो चुके हैं। आपको मालूम है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर से बोले पूरा हुआ, बाइबल हमको बताती है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। क्यों ऊपर से नीचे तक मंदिर का पर्दा फटा? जब आप परमेश्वर के मंदिर के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एक पर्दा जो था, सिर्फ एक पतला सा पर्दा, वो पवित्र स्थान को और पवित्रों के पवित्र स्थान को अलग करता था। परम पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को वो अलग करता था, वो पर्दा। और जब पर्दा फट गया, इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता ने द्वार को खोला कि अब तुम मेरे पास आओ, जो कि बाइबल इब्रानियों की पत्री में बोलती है, उसके 10वें अध्याय में। आप मेरे साथ, आप बाइबल रखें तो आप मेरे साथ निकाल करके देखिए, वहाँ पे बहुत सुंदर वचन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। इब्रानियों 10वां अध्याय 19 और 20 को देखेंगे। इब्रानियों 10 उसका 19 और 20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है जो उसने पर्दे
अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। बाइबल इज़ वेरी क्लियर, बाइबल स्पष्ट बताती है वो पर्दा क्या है जो ऊपर से नीचे तक फटा, प्रभु यीशु मसीह का देह है। सो एट द क्रॉस, कलवरी के ऊपर उस पर्दे को जो कि यीशु की बॉडी है परमेश्वर ने फाड़ दिया, परमेश्वर ने उसे टियर कर दिया जो कि यीशु की बॉडी है, क्योंकि एकमात्र वही रास्ता था मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। और आज मैं और आप हम कहाँ हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पवित्र स्थान में, पवित्र स्थान में आज मैं और आप हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। पुराने नियम में क्या था, जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में जब पाप प्रधान था तो उस समय में जितने पापी लोग परमेश्वर के पास आते थे उनके मरने की चांसेस ज़्यादा रहते थे कि यदि तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे तो तुम मर जाओगे, क्योंकि उस समय में पाप प्रधान था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी, 10 आज्ञा को जब परमेश्वर ने दिया, तब परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला कि यहाँ पर बाड़ा बांधे कि कोई भी इस बाड़े के इस पर प्रवेश ना करने पाए, और यदि कोई प्रवेश करेगा तो वह निश्चित मार डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने दूरी बना ली थी उनके पापों के कारण। तो जितना आप परमेश्वर के पास आते पुराने नियम में उतना ही ज़्यादा ये चांसेस थे कि आप मर जाओगे, पर अनुग्रह की नई वाचा में यीशु के लहू के द्वारा हमको यह हियाव हुआ कि हम उस नए और जीवते मार्ग से, बाइबल दो शब्दों का प्रयोग करती, नया और जीवित मार्ग, द न्यू एंड द लिविंग वे। तो जीवते मार्ग का मतलब क्या होता है? मतलब यदि आप परमेश्वर से दूरी बनाओगे तब आपके मरने के चांस ज़्यादा है न्यू टेस्टामेंट में, न्यू कवनेंट में, पर अनुग्रह की नई वाचा में आप जितना परमेश्वर के करीब आओगे उतना ज़्यादा आप जीवित रहोगे, उतना ज़्यादा आप प्रभु की आशीष को, परमेश्वर के पक्ष को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप एक्सपीरियंस करोगे। और ये हमारे कार्यों से नहीं हुआ, बाइबल स्पष्ट बोलती है यीशु के लहू के द्वारा हमको हियाव हुआ। आपको मालूम है प्रिय भाइयों और बहनों कि जब परमेश्वर पिता ने फसह के पर्व को जब लागू या संस्थित करने की आज्ञा दी इब्रानियों 12वें अध्याय में, तो इब्रानियों 12वें अध्याय में बाइबल हमको बताती है कि जितने लोग थे, जो इब्री लोग थे जिनको परमेश्वर ने बोला तुम फसह के मेमना को खाना, उन हरेक लोगों के जीवन में गलतियाँ थी, उन हरेक लोगों के जीवन में पाप थे, वो उतने ही दोषी थे जितने दोषी आज हम हैं। अभी हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु के लहू से, हम अभी दोषी नहीं हैं। मैं एक कंपैरेटिव आपको बता रहा हूँ कि जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं किए वो दोषी हैं, जो बाइबल यूहन्ना 3:18 में हमको बताती है। तो वो लोगों के जीवन में भी गलतियाँ थी, उनके जीवन में पाप थे, उनके जीवन में बुराइयाँ थी, वो उतने ही दोषी थे जितने आज के लोग दोषी हैं। पर वो लोग इसलिए नहीं बचाए गए कि उनके जीवन में अच्छे कार्य थे, वो लोग इसलिए नहीं बचाए गए कि वो धर्म का काम करते थे, वो क्यों बचाए गए आपको मालूम है? मेमने के लहू के द्वारा। परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी थी कि तुम मेमने को, जिसे तुम खाओगे अपने घर में, उस मेमने के लहू में से लेकर के अपने दरवाज़ों के अलंगों पर और चौखट पर उसे लगाना, लिंटल और डोर पोस्ट। और जब आप देखोगे चौखट और अलंग, और इसे आप देखोगे तो ये यीशु मसीह का क्रूज बनता है। तो वो मेमने का लहू था जो उन लोगों को प्रोटेक्ट किया, वो मेमने का लहू था जो उन लोगों को बचाया, उनके अच्छे कार्य, उनके धर्म के काम, ये कुछ भी उनको नहीं बचाया। तो आज हमको कैसे हियाव हुआ है परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाने का? बाय द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू के द्वारा हमको हियाव हुआ है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें बर्फ से भी ज़्यादा, हीम से भी ज़्यादा श्वेत, साफ और पवित्र कर दिया है। आज मेरा और आपका जीवन उतना ही पवित्र है जितना पवित्र यीशु का जीवन है। आज हमारा जीवन उतना ही धर्मी है जितना धर्मी यीशु का जीवन है, क्योंकि हमारे लिए बाइबल बोलती है, इब्रानियों में ही आप पढ़ेंगे कि यह अनहोना है कि बैल और बकरे का लहू पापों को धोए या पापों को साफ करे। पर हमारे लिए बैल और बकरों का लहू नहीं बहाया गया, हमारे लिए परमेश्वर के पुत्र का लहू बहाया गया, हमारे लिए यीशु का लहू शेड किया गया। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। और इस यीशु के लहू के द्वारा हमको हियाव हुआ है कि हम इस नए और जीवते मार्ग में, जो कि प्रभु की प्रेजेंस है, परमेश्वर का परम पवित्र स्थान है, वहाँ हम प्रवेश किए हैं।